हाय दोस्तों, नमस्कार। इंडियन पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। तो मैं हूं कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में, वही कोलार डिस्ट्रिक्ट जो KGF मूवी बनी है ना, वही कोलार डिस्ट्रिक्ट है। जो इधर देख लो पहाड़, पहाड़ इधर पीछे देख रहे हो ना, पहाड़ी एरिया है। तो मैं कर्नाटक कोलार डिस्ट्रिक्ट में हूँ। इधर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग लाइन पर रहो, एक नया शेड मिला इधर ही, वो उसका रिव्यू मैं दूंगा। हाय दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि मैं बताया था कि मैं कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो एक फार्म का रिव्यू दूंगा। वो मैं आ गया हूँ, ये अंदर कोलार डिस्ट्रिक्ट से अंदर गांव में है। तो यही एक शेड है, देख लो, मैं इसका रिव्यू मैं देता हूँ। सबसे पहले तो ये आप देख लो, इसकी लंबाई मैं बता देता हूँ। इसकी लंबाई जो है, लंबाई इसकी जो है 400 फीट, और चौड़ाई जो है ना, ये चौड़ाई जो है 40 फीट है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर फीट आप निकाल लो। स्क्वायर फीट निकालना बहुत ही आसान है, इजी है। क्या करो, 400 लॉन्ग को 400 फीट मल्टीप्लाई बाई 40 फीट को कर दोगे तो 16,000 स्क्वायर फीट निकल जाएगा ना। 16,000 स्क्वायर फीट निकल जाएगा। तो 16,000 स्क्वायर फीट में बर्ड्स कितना रहेंगे, तो आप उसमें 16,000 में आप भाग दे देना 0.75 का, ठीक है ना। ये 0.75 क्या है, ये एक्चुअली 7.5 इंच, मतलब इन लोगों का कहना है जो एसी सेट के रिसर्चर हैं, उनका कहना है कि मतलब 7.5 इंच के स्क्वायर फीट में एक बर्ड रह सकती है। अगर वही ओपन सेट होता तो ओपन सेट का कहने का मतलब है रिसर्चरों का कि एक बर्ड ओपन सेट में 1.3 इंच में, मतलब एक इंच में 12 फीट होता है, तो 12 × 3 कितना हो गया, 15 इंच में एक ओपन सेट में मुर्गी रह सकती है, इतना एरिया कवर करेगी। क्योंकि यह ऐसी सेट है, तो एसी सेट में 0.75 का हम लोग भाग देंगे 16,000 स्क्वायर फीट में, तो ये नियर अबाउट बर्ड्स आ जाएंगे 21,000। तो इसमें 21,000 बर्ड्स हैं। यह जो है कि बॉयलर सेट है, ठीक है ना, बॉयलर सेट है। अब मालिक कोई और है, और इसमें जो है कि देखो, ये ठीका ली है। ठीका कौन ली है, बारामती कंपनी है, जो कर्नाटका में बारामती है, यस एक और कंपनी, या नाम नहीं याद आ रहा है। तो अभी ये फ़िलहाल बारामती, देखो ये फीड देती है, देखो इधर देख लो, बारामती एग्रो लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये कर्नाटक बेंगलोर का ही है, रूरल कर्नाटक का ही ये कंपनी है। तो ये क्या करती है, फीड देती है, मेडिसिन देती है, दवा देती है, पानी देती है, देख रेख करती है। तो ऑनर को क्या लाभ होता है, तो मैंने पूछा ऑनर से, तो ऑनर बता रहे थे कि ये FCR, ठीक है ना, FCR के हिसाब से ये, अभी मैं पिछला वीडियो जो मैं बनाया था, गया था कर्नाटक के मूलबागल में, तो वो भी KSR एक कंपनी है, ठीक है ना, वो भी दवा मेडिसिन सब कुछ दे रही थी, फीड वूड सब दे रही थी। तो उनको बेनिफिट मालिक को कैसे हो रहा था, मालिक को बेनिफिट आप समझ लो कि मुर्गी के केजी के हिसाब से, वो बता रहे थे एक केजी के 1 रुपया, अगर बढ़िया परफॉर्मेंस रहा आपके सेट में मुर्गियों का, मतलब स्वस्थ रहीं, हेल्थी रहीं, तो उसको वो 1.5 रुपया 2 रुपया दे रहा था, है ना। तो वो उस तरह KSR दे रही थी कंपनी, ये बारामती है। तो बारामती जो है कि मैं यहाँ के मालिक से बात किया, तो वो बोल रहे हैं कि FCR निकालते हैं, FCR के हिसाब से वो पैसा मुझे देता है। अब कितना FCR देता है वो पता नहीं है मुझे, लेकिन इतना मुझे बताया कि एक महीने में जब एक बैच निकल जाता है तो मुझे पैसा मिला था पिछले बैच में 2 लाख रुपया, मेरा सब काट पीट के मजदूरी लेबर उबर को दे होकर मेरा 2 लाख रुपया बच गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, इसकी लंबाई तो हमने बता ही दिया, 400 फीट है, चौड़ाई 40 फीट है, ठीक है। तो मान लीजिए 16,000 स्क्वायर फीट निकल गया, 16,000 स्क्वायर फीट निकल गया, उसमें 0.75 का भाग दोगे आप, तो 21,000 समथिंग बर्ड्स की संख्या निकल जाएगी। तो मतलब इसमें 21,000
21,000 बर्ड्स हैं ठीक है। लेकिन ये एसी सेट है। मैं बार बार बोलता हूँ, जो भी मेरे भाई बंधु हैं जो पोल्ट्री फार्म रिलेटेड संबंधित हैं, पोल्ट्री फार्म रिलेटेड उनकी थिंकिंग है, पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं या उसमें पोल्ट्री फार्म में इंटरेस्ट है, एसी शेड बनवाना है। देखो, लंबाई मैटर नहीं करता, आपके पास जितना ज़मीन हो लंबाई ले सकते हो, ठीक है। आपके पास कितना चौड़ाई है वो भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपके अपने ज़मीन के हिसाब से, अपने बेवत के हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से लंबाई भी ले सकते हो, चौड़ाई भी ले सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, ये हाइट जो है ना भाई, जितना मिनिमम हो सके उतना लेना। इसलिए क्योंकि एसी शेड अगर नॉर्मल शेड होता चलो हम स्क्वायर फीट निकाल लेते, लंबाई गुड़े चौड़ाई, ठीक है ना, स्क्वायर फीट निकल जाता, ठीक है। उसमें हमने अगर एसी शेड है, अगर ओपन शेड है तो 1.3 का हम भाग दे देते, ठीक है ना, 1.3 का हम भाग दे देते तो उसका बर्ड्स की जनसंख्या निकल जाती। क्योंकि एसी शेड है तो एसी शेड का ये जो हाइट जो है ना बहुत मैटर करता भाई साहब, ये जितना कम हो सके उतना रखना। तो ये तो भाई साहब तालपत्री लगाए हैं, मतलब तिरपाल बोलते हैं गांव में, ये तिरपाल। तो इसको अब क्या करोगे, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊँचाई, एसी शेड की लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊँचाई, तो ये क्यूब निकल जाएगा। इसका क्यूब अगर मान लो 400 लंबाई है, 40 फीट चौड़ाई है, तो इसका क्यूब हो जाएगा, मेरे को लग रहा 1,28,000 के समथिंग, ठीक है ना। आप कैलकुलेट कर लेना लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। तो ये क्यूब, ये हाइट क्यों मैटर करता है, बार बार मैं एसी शेड के लिए ये हाइट मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये हाइट, ये जितना क्यूब कम रहेगा ना, जितना ये हाइट कम रहेगा उतना ही आपका टेम्परेचर मेंटेन किए रहेगा। एसी सेट, एसी आप लोग चिल्लाते हो ना, इसी का मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म होता है एनवायरमेंटल कंट्रोल। तो ये हाइट जितनी कम होगी ना उतना आपका टेम्परेचर मेंटेन किए रहेगा। जैसे मान लो कि ये हाइट बढ़ा दिया तो इसका क्षेत्रफल बढ़ गया का मतलब क्यूब बढ़ गया तो क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया। अब उसको मान लो कि अंदर हीट बढ़ गई, टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसको हीट को बाहर निकालना उस टनल फैन से, तो उसको बड़ा समय लग जाएगा। मान लीजिए क्षेत्रफल बढ़ गया तो इसमें हीट ज़्यादा हो गई या अमोनिया गैस ज़्यादा हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, तो इसको निकालने में बड़ा समय लग जाएगा फैन को, समझ रहे हो बात को। ये हाइट जितना कम हो सके उतना नीचे होना चाहिए। अब ये देखो, एक प्रॉब्लम यह है इसमें, तिरपाल में प्रॉब्लम यह है कि जब 12 बजता है दिन में, मतलब तो गर्मी आने वाला हो ही गया, तो हाइट ज़्यादा हो जाती है ना, तो ये क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है 12 बजे तो ये फैन लगभग सारे स्टार्ट हो जाते हैं बाहर गैस निकालने के लिए, है ना, हीट निकालने के लिए। तो क्या होता है कि ये हिलने लगता है। एक फ़ैन का सीफियम जो है 8,000 सीफियम। आप सीफियम क्या है, सीफियम मतलब क्यूबिक मिनट फीट, इतना स्पीड से हवा ये बाहर निकालता है, एक फ़ैन इतना फास्ट हवा ये निकालता है। तो ये हिलने डुलने लगता है, आवाज़ करने, ये तालपत्री है ना, आवाज़ करने लगता है तो मुर्गियाँ डर जाती हैं या इनको हार्ट अटैक हो जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया रहेगा ना, इतना खर्चा किए हो तो तालपत्री की जगह ना वो स्टील वाला जो कटरेन आता है, लोहे वाला पत्री, वो लगा लो। वो अब चाहे फैन कितना भी तेज चले, बाहर निकाले हवा, तो ये हिलेगा नहीं। अभी तो मान लो सुबह का समय है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये हिलने लगता है, आवाज़ करने लगता है, जब सारे फैन जब चलने लगते हैं तो मुर्गियाँ डर जाती हैं, तो उनको हार्ट अटैक होने लगता है, समझ रहे हो बात को। ये सारी चीज़ें हैं। देखो, इसमें एक निप्पल लाइन, दो निप्पल लाइन, तीन, चार, पांच निप्पल लाइन है, चार फीडिंग लाइन है, ठीक है। ये LED है, मुर्गियाँ जो आके खा सकें। ये सेंसर है, ये लिमिट सेंसर है, जब ये फुल हो जाएगा तो ये भी एक सेंसर है, जब फुल होता है तो ये ओपन हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। ये मोटर है, ये पाइप देखो कहाँ से आ रही है, वहाँ फीड डालते हैं, यहाँ से फीड यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक फीड आई है ना। तो अब देख लो इसमें फ़ैन कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फैन है, ठीक है ना। ये एक्चुअली धुमाल कंपनी का सारा चीज़ें हैं, ये इसी बॉयलर सेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब, ये हाइट बहुत मैटर करता है। ये हाइट जितना कम होगा ना, क्यूब घन कम हो जाएगा और आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा हमेशा। अभी बाहर से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को,
तो चलो बाहर से मैं दिखा दूंगा आप सबको, अब हम बाहर निकलते हैं। तो ये जो है इसकी लागत, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, ये हो गया निप्पल, फीडिंग लाइन, टनल फैन, ठीक है ना, ये धुमाल कंपनी का है, नियर अबाउट मेरे को लग रहा है कि 25 लाख के आसपास खर्चा आया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी सीमेंट लगवा रहे हो, ACC सीमेंट लगवा रहे हो या रेड बुल वाला जो एक सीमेंट है वो लगवा रहे हो, आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में मजदूरों की मजदूरी क्या है, ठीक है ना, वाछड़, गिट्टी, सीमेंट, कटरैन, ये आयरन जो लोहा जो लगा रहता है बिल्डिंग मारते हैं, वो क्या रेट है आपके प्रदेश में, मैं उसकी कास्ट नहीं कर रहा हूँ, वो आप अपने लोकल स्तर पे कास्टिंग कर सकते हो। मैं सिर्फ पोल्ट्री फार्म रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, नियर अबाउट इसमें जो है ना फीडिंग प्लेट, निप्पल लाइन है, वो पैनल भी आ गया है, टनल फैन भी है, टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, ये सारी खर्चा जो मैं बता दे रहा हूँ धुमाल कंपनी का है, नियर अबाउट 25 लाख के आसपास आया है, ठीक है। बाकी आपका ये फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन वर्क, दीवार चलाना, ईट लगाना, कटरैन लगाना, ये लोहा लक्कड़ इसमें लगाना, ये आपके शहर के अंदर छड़ की कीमत क्या है, कितने रुपया कुंटल है, ठीक है, या आयरन कितने रुपया पर कुंटल है, ठीक है, या मजदूरी जो है कितना रुपया कुंटल है, ये अभी देखो ये चल रहा है फीडिंग लाइन है ना, ये डिपेंड करता है, समझ रहे बात को। तो कंस्ट्रक्शन आप अपने स्तर पर देख लेना, मैं सिर्फ पोल्ट्री फार्म की जो है चीज़ें उसकी मैं बात बता रहा हूँ। तो ये AC सेट है, बॉयलर सेट है, कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों ने KGF देखा होगा मूवी, ठीक है, तो वही कोलार जो ना KGF जो है, KGF का फुल फॉर्म होता है कोलार्स माइन, है ना, फील का मतलब नहीं पता लेकिन इतना पता है कि KGF वही शहर है जहाँ जो है कि मूवी शूट हुई थी, ठीक है। अभी ये सेंसर किधर गया है, सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, इसमें ना पूरा AC सेट का मतलब हुआ ना इन्वायरमेंटल कंट्रोल, सारा चीज़ जो है टेम्परेचर सेंसर पे ही डिपेंड करता है, सारी चीज़ें जो है ना टेम्परेचर सेंसर पे ही डिपेंड करता है। देखो दो टेम्परेचर सेंसर आया होगा, ये टेम्परेचर सेंसर केबल है, ये देख रहे हो ना, यही टेम्परेचर सेंसर केबल है, ढूंढना पड़ेगा किधर से किधर ये लोग ले गए। हाँ चलो, एक टेम्परेचर सेंसर लग रहा है मेरे को मिला, मैं दिखा रहा हूँ टेम्परेचर सेंसर, देखो ये टेम्परेचर केबल का केबल है, ये ही मेन है भाई साहब, पूरा AC सेट जो है ना आपका इसी पर लटका हुआ है, यही बताता है सेट के अंदर टेम्परेचर हाई है या लो है या क्या कंडीशन है, ये सेंस करता है और सेंस करके जो है पैनल को, उधर पैनल लगा, पैनल को भेजता है, तो पूरा AC सेट जो है कंट्रोलिंग जो है ना इसी पर है, यही टेम्परेचर सेंसर है, यही सारा चीज़ डिटेक्ट करता है, सेंस करता है और पैनल को भेजता है, तो पैनल जो है अपना कूलिंग पैड चालू करता है या टनल फैन चालू करता है या हीटर चालू करता है, चारों दारो मदार इसी टेम्परेचर सेंसर पे। दो टेम्परेचर सेंसर है, एक उधर लगा होगा, एक इधर लगा होगा, एक इधर देख ही रहो, बीच में एक ह्यूमिडिटी सेंसर भी है, ह्यूमिडिटी सेंसर भी लगा ही होगा कहीं ना कहीं। चलो अब भी बाहर से मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये मालिक सिर्फ जो है ना पोल्ट्री फार्म खोले हैं, जिसकी फीडिंग, मेडिसिन जो सारी देख रेख है वो बारामती नाम की कंपनी है वो करती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। कितने बजे जग जाते हो, कितने बजे जग जाते हो, कितने बजे, 11 सुबह की मैं बात कर रहा हूँ, 5 बजे। चलो ठीक है, ये पैनल जो है धुमाल कंपनी का ही है, इसमें भी AC मोटर ही लगा है, मैक्सिमम AC सेट में जो है ना रोमेट AC 2000 ही लगा रहता है, यही कंट्रोलर है, अगर इससे भी बड़ा फार्म हो
तो ये जो मॉडल है ना चेंज हो जाता है, ये मॉडल ये एसी 2000 एसी है ना, तो एसी 2000 यहाँ एसी की जगह 3G हो जाएगा, 3G। अभी देख लो अभी टेम्परेचर कितना है, वीडियो क्लियर हो जाए, 27 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी जो है 76% है, लेवल जो है लेवल 11 चल रहा है, और डे चल रहा है मुर्गियों का, डे कितना है 23 डे चल रहा है, अभी मॉर्निंग का 7:38 हो गया है ये, तो 23 दिन हो गया है। अभी करंटली सेट के अंदर टेम्परेचर कितना है 26.8, ह्यूमिडिटी देख लो 68% चल रहा है। ये इसके लिए कितने फ़ैन है, नो फैन है ना, नो फैन है तो नो फैन के लिए नो कॉन्टेक्टर है, नो एमसीबी है, उसके बाद ये फेज प्रिवेंटर है, मेन एमसीबी ये है, ठीक है ना, मेन एमसीबी ये है, ये टाइम ऑन रिले है, ये टाइम ऑफ रिले है, ठीक है। ये हो गया आपका पोल्ट्री पावर फेलर अलार्म, अलार्म मतलब कि लाइन वाइन भग गई या सेट के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये इमरजेंसी में ये सायरन बाहर लगा है वो आवाज़ देती है। तो ये सारी चीज़ें, अभी देखो यहाँ कैमरा भी लगा है, सारे चीज़ें जो है ना ऑनलाइन कैमरे में ही रिकॉर्ड होती है, सारा कैमरा लगा है, कितना कैमरा लगा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कैमरा लगे हैं, 13 कैमरे हैं। ये फीड जो है बारामती देती है और मेडिसिन भी सब बारामती ही देती है, और बारामती मेडिसिन भी दी है इतना, देख लो ये टंकी है निप्पल लाइन के लिए। ये आरओ का पानी दिया जाता है क्या मुर्गियों का? अरे वाह भाई, हम लोगों को पीने को नहीं मिल रहा यार, मुर्गियों को तुम लोग जो है कि इसी से, तुम ही पीते हो तुम कलकत्ता में, कहाँ के हो, 24 परगना जानते हो, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के लोग मेरे यहाँ आते हैं, तो तुम किधर हो, कलकत्ता से 24 परगना के हो, अरे वाह ठीक है यार, तो बढ़िया। तो कितने साल से तुम हो इधर? हम दूसरी जगह काम कर रहे हैं स्कूल वाले में, 1 साल। अच्छा, लॉकडाउन जब से पड़ा ना उस टाइम से इधर है। अच्छा लॉकडाउन से ही इधर हो, चलो ठीक है बढ़िया। ये मुर्गियों को देख लो भाई, आनर जो है कमाल के हैं हमारे यहाँ, ये देख लो फिल्टर का पानी देते हैं, गजब बढ़िया है, बढ़िया स्वस्थ मुर्गियाँ रहेंगी तो अच्छी बात है। ये आर ओ का पानी इसमें जाता है टंकी में, टंकी के बाद फिर ये निप्पल लाइन नीचे गया है, निप्पल लाइन से फिर ये निप्पल लाइन इसमें से नहीं जाता, वो डैम से नहीं। अच्छा उधर से जाता है, हाँ पानी ये आर ओ उसी में चला जाता है, ठीक, ये आर ओ का पानी जो है डायरेक्टली वहाँ चला जाता है, बढ़िया है भाई। वो डैम से मेडिसिन डालता है। अच्छा वहाँ से मेडिसिन डालते हो, चलो ठीक है यार। ये एसी सेट है, हम लोग कर्नाटक के कोलार में है ना, कोलार में है हम लोग। तो ये बाहर का लोकेशन है, ये शेड है अंदर, ये शेड है, ये डीजी है, डीजी जो है कोइल का है, कितने केवी का है ये, केवी में देखता हूँ कितने केवी का है ये। KVA 40 KVA का, देखो वीडियो साफ हो जाए, हाँ ये KVA लिखा है ना, KVA देखो ये KVA इधर भी है, 40 KVA का, 40 KVA का है, तो मतलब ये मेरे को लग रहा है 5 लाख के नियर अबाउट होगा ना, 5 लाख नियर अबाउट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आउटसाइड भी देख लो, आउटसाइड पीछे से मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। हाँ वो पोल्ट्री फार्म ये दिखाया ना, अलार्म ये सायरन, जब अंदर वो लाइट भी जलता है और जो है कि ये इलेक्ट्रिक करंट चला जाने से अलार्म बजता है। हाँ अलार्म बजता है ये, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई खतरा हो गया, कुछ फॉल्ट हो गया, तो तुरंत ये सायरन देने लगेगा, वो साउंड से आवाज़ आने लगेगी, तो जो भी इधर होगा नज़दीकी में उसे पता चल जाएगा। हाँ अरे बाई चांस हो गया तो लफड़ा हो गया, साइड से मैं दिखा दूँ आप लोगों को, देखो ये सब पहाड़ी एरिया है, कर्नाटक का पहचान जो है कि वो देखो तरकुल या नारियल का पेड़ जो है ना, वो अभी आम का खेती इधर बहुत है, आम का खेती है बहुत। ये देख लो आपका शेड हो गया, ये कूलिंग पैड है,
देखो उतना लंबा है ये, ठीक है, उतना लंबा है ये। कूलिंग पैड बड़ा सेफ्टी से रखे हैं, देखो नेट वेट लगा दिए हैं कि कोई कूलिंग पैड के पास जाए नहीं, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये कूलिंग पैड उस साइड भी है, इस साइड भी कूलिंग पैड है। तो वो लास्ट तक देखो, लास्ट तक दिखाई दे रहा है ना, ये आउटसाइड लोकेशन देख लो, मैंगो का पेड़ है, ये वो नारियल का पेड़ है, नारियल का पेड़ कर्नाटक में मशहूर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख लो सेट वोट। तो यार देखो, इस चैनल पर जो नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।